हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। दोस्तों, या इस चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि पीसी ज्वेलरी का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ होने वाला है, आप मत खरीदिए। आज मैं दोस्तों वो प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों, अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 73 रुपीज़ चल रहा है। और दोस्तों, जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया था तब ये पीसी ज्वेलरी का प्राइस 77 से भी अबव चल रहा था दोस्तों। और इसका जो लोवेस्ट अगर देख लीजिएगा तो 72 रुपीज़ तक गया था। मतलब कि दोस्तों, आपको 4-5 रुपीज़ डिक्रीज़ होने से बचा हुआ है। और देखिए, मैं आपको तो देखिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो है और मैंने इसको अपलोड किया था 2 जून को। दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो करंट प्राइस चल रहा है पीसी ज्वेलरी में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पे। यहाँ देखिए, पीसी ज्वेलरी 77.10 चल रहा है दोस्तों, देख लीजिए। मैं दोस्तों हर बार अपने वीडियो को जो है प्ले करके दिखाता हूँ, लेकिन इसमें साउंड अच्छा नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप सबूत के तौर पर देख लीजिएगा। मैं साफ साफ वीडियो में बोलता हूँ कि इस शेयर से दूर रहिए या इस शेयर से आपको ख़रीदना है, मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ दोस्तों। उसी तरह इस वीडियो में भी मैंने बता दिया है कि आपको पीसी ज्वेलरी से दूर रहना है, इसका प्राइस डिक्रीज होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दूंगा। और दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि इसको कब खरीदा जाए जिससे हम लोग को प्रॉफिट हो। तो अभी दोस्तों, अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पीसी ज्वेलरी 73 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, ये दोस्तों अपना जो है रियल प्राइस पे अभी वापस आ चुका है। और इसको ख़रीदने का टाइम भी दोस्तों अब आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पीसी ज्वेलरी जब भी डाउन ट्रेड में आया है, देखिए मैं बताता हूँ पीसी ज्वेलरी को किस टाइम पर ख़रीदना है जिससे आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पीसी ज्वेलरी अभी मैं दिखाता हूँ ग्राफ के माध्यम से, मैं आपको समझाऊँगा। ग्राफ ओपन हो रही है तो देखिए दोस्तों, एक बार जो है ये उछाल भी दिखाया है मिडिल में, देखिए बहुत लंबा जो है इसने उछाल दिखाया है 160 के लगभग। मतलब कि दोस्तों, इसने पैसे को दुगना से तिगना कर दिया और फिर लाकर वही पोजीशन पर पलट दिया। देखिए अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले देखिए यहाँ इतना नीचे आ चुका था। यहाँ पर अगर इसका लोवेस्ट ट्रेंड देखेगा तो 47 है दोस्तों, 47 है। और इसको दोस्तों बाय कौन से पोजीशन पर करना है मैं वो भी आपको बताऊँगा। 50 to 60 के बीच में दोस्तों जैसे ही आएगा तो आपको ख़रीद लेना है 50 to 60 के बीच में दोस्तों। इसके लिए जो है आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करने में दोस्तों मैं पता है मुझे कि आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन लॉस भी हो सकता है अगर आप अगर जल्दी करते हैं तो। आराम से काम कीजिएगा और सब्र का फल तो मीठा होता है, आपको पता है। उसी तरह जल्दीबाजी में मत खरीद लीजिएगा कि इसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा, तो इधर आसपास आएगा दोस्तों 50-60 के आसपास आएगा इधर, तो आपको ख़रीद लेना है। इससे जो है आप अगर होल्ड करके रखिएगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसमें जो है आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। मैं ये रिपीट करके आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप भूल ना जाए। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था पीसी ज्वेलरी का जो प्राइस है डिक्रीज़ होने वाला है 77 रुपीज़ पर था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने बताया था सन फार्मा का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हुआ, आरकॉम के बारे में बताया था इसका प्राइस डिक्रीज़ होगा तो हुआ, DHFL के बारे में बताया था। तो बहुत सारी है वीडियो है दोस्तों, और मैं आज बताने वाला हूँ कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा जिससे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं शाम को वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, जो मान लीजिए जिनको सर्विस लेना है हमारे यहां से, या कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मान लीजिए बहुत लोग आरकॉम का शेयर लेके, DHFL का शेयर लेके, या कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर लेके फंस चुके हैं, तो दोस्तों हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैंने बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइस डिक्रीज होने वाला है। और मैंने और एक बात दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा, मैं हर एक वीडियो में जो है अपना टारगेट बताता हूँ। टारगेट का मतलब कि दोस्तों मैं बताता हूँ, अभी जो है कोई मान लीजिए कोई शेयर जो 100 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है वो 120 रुपीज़ तक जा सकती है, तो दोस्तों वो मेरा टारगेट है कि अभी 100 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, 120 रुपीज़ को टच करेगा ही करेगा। तो दोस्तों वैसे मेरा मैंने दोस्तों 100 से भी ज़्यादा वीडियो बनाया है, उसमें से दोस्तों 80% मेरा जो वीडियो है टारगेट से ओवर टारगेट हो चुका है दोस्तों, और जितना भी 20% बचे हैं उस वो सब टारगेट को हिट कर दिए हैं दोस्तों। लेकिन मेरा एक भी वीडियो में दोस्तों
लॉस नहीं हुआ। आप रेंडमली कोई भी वीडियो को चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करने के बाद प्ले कीजिए। प्ले करने के बाद जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डेट दिखेगा। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में डेट दिखेगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने ये वीडियो अपलोड किया 23 मई को, तो आप 23 मई को जो है डाटा देख सकते हैं NSE का वेबसाइट पर जाकर। और जो लोग दोस्तों छोटे निवेशक हैं, जिनके पास पैसे कम हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ से सर्विस दी जाती है, और उनको भी छोटा छोटा शेयर्स बताया जाता है। जैसे कि देखिए आइडिया वोडाफोन दोस्तों, इसका शेयर का प्राइस जब 11 रुपीज़ पर चल रहा था, तभी मैंने एक वीडियो अपलोड मारा था और बताया था कि इसका प्राइस जो है 15 रुपीज़ को टच करेगा। आज के डेट में दोस्तों 11 से 14 रुपीज़ को ये क्रॉस कर चुका है। मतलब समझ रहे दोस्तों, अगर इसमें 1 रुपीज़ भी इंक्रीज़ होता है तो बहुत बड़ा परसेंट में प्रॉफिट होता है। टोरेंट फार्मा, यस बैंक, जी लिमिटेड, सारे वीडियो दोस्तों मैंने बना चुका हूँ। अगर आप किसी भी शेयर्स में फंसे हुए हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस चाहिए दोस्तों तो बेहिचक कॉल कीजिए, हमारे यहाँ से आपको सपोर्ट हर वक्त दी जाएगी।